नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत की जिसने अपनी जिंदगी में भारत का नाम रोशन किया है। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि वो है गोल्डन बॉय। गोल्डन बॉय यानी आप नाम से ही जान गए होंगे वो कौन सा शख्सियत है, वो कौन सा व्यक्तित्व है और क्या नाम है उनका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा ने हमारे भारत देश का नाम इतना ऊंचा कर दिया है क्योंकि इसके पहले इन्होंने जब ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक में भी इन्होंने पहला गोल्ड मेडल हमारे भारत देश के लिए दिलवाया था। और एक बार फिर से नीरज चोपड़ा सुर्खियों में हैं क्योंकि वो अपनी मेहनत की वजह से जाने जाते हैं। अपनी मेहनत से वो असंभव से दिखने वाले काम को भी संभव कर दिखाते हैं। जी हाँ, जब इनका कड़ा मुकाबला इस बार था पाकिस्तान के एक खिलाड़ी से, तब इनको थोड़ा सा अंदर से ऐसा लग रहा था कि अब मुझे जीतना ही जीतना है। और पाकिस्तान के असरत को इन्होंने बीट किया, 88 मीटर से भी ज़्यादा इन्होंने उस भाले को फेंका। जी हाँ, जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा हमारे देश की शान हैं और युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके माध्यम से कई सारे युवा अब कुछ ऐसे भी खेल हैं जिसमें वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। क्योंकि इसके पहले जेवलिन थ्रो लोगों की जुबान पर नाम तो आता था लेकिन कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं दिखाई देता था जिसकी छवि लोग अपने दिमाग में रख के उसकी प्रैक्टिस कर सकें। और आज नीरज चोपड़ा की वजह से एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे खिलाड़ी हैं जो उनको अपना मोटिवेशन मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ कर दिखाई है जो दुनिया के लिए असंभव थी। क्योंकि वो कड़ी मेहनत से अपने परिणाम लोगों के सामने निकाल कर लाए हैं और आज हम सभी को गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे भारत देश का एक ऐसा खिलाड़ी जिसने इतनी कम उम्र पर इतना बड़ा नाम रोशन किया है, हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है। एक बार नहीं बल्कि 3 बार गोल्ड मेडल उन्होंने दिलवाया है। सो गाइज, नीरज चोपड़ा के लिए एक लाइक, कमेंट और शेयर। और नीरज चोपड़ा के लिए आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।